हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने रोमन फिलिफुटो को अपनी टीम में रिटेन किया है, जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। लेकिन दोस्तों, विल्मर जॉर्डन गिल, जिनका प्रदर्शन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कलर्स में लाजवाब रहा था, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने विल्मर जॉर्डन गिल को रिटेन करके रिलीज कर दिया है। तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट को चाहिए एक प्रॉपर स्ट्राइकर जो विल्मर जॉर्डन गिल को रिप्लेस कर सके। तो दोस्तों, अभी फिलहाल जो लेटेस्ट खबर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट के तरफ से कि विल्मर जॉर्डन गिल के रिप्लेसमेंट में स्ट्राइकर के पोजीशन पे ब्राजीलियन एप्सन मेलो को अपने टीम में साइन करवाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, एप्सन मेलो ब्राजील से बिलोंग करते हैं और 33 वर्ष का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। और इन्होंने अपना करियर फुटबॉल खेला है ब्राजील में, पोर्चुगल में, और साथ ही लास्ट ये खेल रहे थे थाई लीग में। तो दोस्तों, थाई लीग में काफ़ी सारे मैचेस खेलने का इनको एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी ज़्यादा गोल स्कोर भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट के तरफ से जैसे कि खबर है कि साइनिंग कंप्लीट हो चुका है, तो काफी सारे सोर्सेस यही दावा कर रही है कि एप्सन मेलो के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट का साइनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल पक्का खबर है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट काफी ज्यादा क्लोज है कि एप्सन मेलो को वो साइन करवाए। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है तो मैं आप सभी से जरूर शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।